आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। एंटी करप्शन या न्यूज चैनल से स्वागत है आपका। इस समय लोग ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग करते हुए, खासकर इस लॉकडाउन में, जो कि हमने देखा कि इधर दो दिन और बढ़ा दिया गया है। और देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस तरह से फैसला लिया है, वो निश्चित रूप से इससे पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पूर्ण लॉकडाउन के ऊपर विचार करें ताकि इस कोरोना के संक्रमण रोका जा सके। इस समय लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और खासकर झगड़गड़ी चौराहे पे, और यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर चुस्त पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ पे ड्यूटी देते हुए, खासकर हमारी यातायात पुलिस, देख रहे हैं चौराहे पे जिस प्रकार से आवागमन चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूर्ण लॉकडाउन आज से साल भर पहले जब लगाया गया था, तब से अब में उसमें पूरी तरह से सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हालांकि पुलिस प्रशासन देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे निकल रहे हैं सीधे सीधे उनको टोक भी रहे हैं, और जो है यहाँ के ऊपर भीड़ ना लगे इस प्रकार को लेकर भी वो सीधे सीधे यहाँ के ऊपर लोगों को, जनता को जागरूकता भी साथ में प्रदान करते हुए। और साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो और भी पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, सीधे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ के ऊपर ड्यूटी देते हुए, और यहाँ पे ये यातायात पुलिस में सीधे से जानते हुए, सर ये बताइए कि यहाँ के ऊपर जिस प्रकार से जी सर, हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को लेकर हमने देखा दो दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, यानी कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। और जहां हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही 30,000 से ऊपर न्यू एक्टिव केस दिखे हैं, और साथ ही लगभग 290 लोगों की मौत कोरोना से यहां उत्तर प्रदेश में ही हो गई है। तो यहां के ऊपर किस प्रकार की शक्ति आपकी तरफ से बढ़ती जा रही है? सभी चेक करते हैं, पूछते हैं, जो एमरजेंसी के लिए जो लोग जा रहे हैं, कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, वही लोग जा रहे हैं, बाकी तो सब लॉकडाउन में पालन कर रहे हैं लोग। सर यहाँ के ऊपर किसी प्रकार के मास्क जो लोग ना लगाए हैं उस पर कोई चालान वगैरह भी काटेगा? हाँ, जिन पे मास्क जो नहीं लगाए उनका चालान काटा जाता है 1,000 रुपये का। जी हम तो अपने चैनल के माध्यम बताने देंगे से बता रहे हैं कि मास्क ना लगने पे 1,000 का चालान भी काटा जाता है यहाँ के ऊपर। दूसरे पॉइंट क्या है, हम बाकी और भी लोगों से इससे संबंधित जानकारी लेंगे, और अपने चैनल के माध्यम से केवल यही वाला चौराहा नहीं बल्कि अभी आगे चल के और भी चौराहे से इससे संबंधित आपको अपडेट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे खासकर थाना रेल बाजार के अंतर्गत किस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर पुलिस प्रशासन फ्रंट पे आके आम जन को इस संक्रमण से बचाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य भी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से चालान भी काटे जा रहे हैं। और एक बार हम जरा इनसे पूछना चाहेंगे कि ये बताइए, अभी सुबह से अभी कुछ चालान वगैरह इधर कितने काटे गए? 30 चालान हो चुके हैं सुबह से, ये बता रहे हैं अभी तक 30 चालान काटे जा चुके हैं। और यहाँ के ऊपर देखिए, हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी रुकी है कार, इनसे पूछा भी गया किस प्रकार की आपातकालीन स्थिति में जो हैं उनको निश्चित रूप से पूरी तरह से देखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद जो जुनविन है उन्हीं को आने जाने दिया जा रहा है। और बाकी पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर न केवल बल्कि हमने विभिन्न चौराहे के ऊपर भी आपसे इससे संबंधित जानकारी देखा जाए तो हमारे कानपुर शहर के विभिन्न अलग अलग जितने भी चौराहे हैं वहाँ के ऊपर हमारा कवरेज करते हुए, और जहाँ पे हमारी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही है और कोरोना वॉरियर के रूप में फ्रंट पे आकर के आम जन को कोरोना के संक्रमण को बचाने के लिए ना केवल लोगों को मास्क और विभिन्न प्रकार के चालान भी काटे जा रहे हैं बल्कि उनको अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले इस प्रकार की हिदायत भी दी जा रही है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे घंटाघर चौराहे पे आए कानपुर के, और यहाँ के ऊपर जो पुलिसकर्मी मौजूद है सीधे इनसे पूछते हुए, जी ये बताइए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अभियान मास्क को लेकर चलाया गया था? जी चेकिंग हुई है बराबर, चेकिंग वाला अभियान भी चलाया गया था, तो उसमें चालान भी काटे गए थे? चालान काटे गए, सभी लोग काटे गए जो विदाउट मास्क थे। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर जैसे कि जो लोग यदि अनावश्यक रूप से आपको घूमते मिल रहे हैं उसको लेके आप किस प्रकार का कार्रवाई कर रहे हैं? जैसा उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया वो सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से और भी पुलिसकर्मी हैं जो ये मुस्तैद हैं और यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पुलिस सहायता केंद्र चौकी सुतरखाना है यहाँ के ऊपर से, और ये क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सामने रेलवे स्टेशन भी है, और यहाँ के ऊपर पूरी तरह से जो यात्री हैं वो जा रहे हैं वो भी पूरी तरह से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ जो यहाँ पे यात्री खास करके हैं और आम जन भी जो निकल रहे हैं, एक बार हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये बताइए कि यदि किसी प्रकार से कोई आपको बगैर मास्क के दिख रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर मेरे अधिकारी हैं, अधिकारी कार्रवाई करते हैं। और हम जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर भी किसी प्रकार के जैसे आवागमन को लेकर के गाड़ियाँ निकल रही हैं तो आपातकालीन स्थिति में ही जैसे कि छूट है, और अनावश्यक रूप से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उसको लेके क्या यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? अभी सर मेरे अधिकारी करते रहते हैं,
जब अभी कितनी देर पहले इस प्रकार का अभियान चला है? अभी करीब आधा घंटे पहले चलता रहा सुबह से। जैसा कि उन्होंने बताया अभी आधा घंटा पहले चला इस प्रकार का अभियान, तो जैसे कि हमने इस क्रम में आपको अभी घंटाघर चौराहा दिखाया, आगे आपको शहर के और भी चौराहों से अवगत कराएंगे वहाँ क्या, शहर के विभिन्न चौराहों से हम आपको अवगत कराने किस प्रकार से पुलिस प्रशासन कोरोना वॉरियर के रूप में फ्रंट पे आकर के लोगों को इस संक्रमण से बचाते हुए, और जैसे कि दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मिले हैं और उसको लेकर सख्ती से कड़ाई से पालन किया जा रहा है, इसी क्रम में हम लोग यहाँ के ऊपर सद्भावना चौकी जो परेड पे है यहाँ के ऊपर मौजूद यहाँ भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं, और ये किस प्रकार से यहाँ के ऊपर आमजन जो अनावश्यक रूप से निकल रही है उसको रोक भी रहे हैं, टोक भी रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं कि मास्क के चालान भी काटे जा रहे हैं। इसी क्रम में हम इनसे जानेंगे जो लोग यहाँ पे अनावश्यक रूप से यदि आपको मिल रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग उन लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, और जो नहीं मान रहा है उसके का चलान किया जा रहा है यहाँ पे। निश्चित रूप से जो नहीं मान रहा उसके खिलाफ चलान किया जा रहा है। अनावश्यक रूप से हम देख रहे हैं कई प्रकार के ये दो पहिया वाहन भी अब दिख रहे हैं, इसके खिलाफ जैसे कि सुन रहे थे कि हमारे पुलिस कमिश्नर जी ने भी कहा है कि अनावश्यक रूप से जो होंगे उनको सीज भी कराया जाएगा, तो इस प्रकार के कोई दिशा निर्देश आपके पास भी है? अब जैसा माननीय कमिश्नर साहब का आदेश आएगा वैसा पालन किया जाएगा। निश्चित रूप से इन्होंने बताया जैसे आदेश आएगा वैसा पालन किया जाएगा। यहाँ के ऊपर ये जैसे कि रुके हैं और यहाँ के ऊपर इनसे पूछा भी जा रहा है आखिर ये बगैर हेलमेट के यहाँ कैसे हैं? जी मेस का सामान लेने जा रहे हैं सर जी। कहाँ जा रहे हैं? मेस का सामान ले रहे हैं, परेड का सामान लेने के लिए हेलमेट नहीं लगाए, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए और यहाँ पे सीधे सीधे इनको पुलिस प्रशासन रोकता हुआ, और आप लोग नहीं मानते, हम लोग बार बार कहते कि मान जाओ घर में रहो, आवश्यकता वाली चीज़ वही मिल रही है, इसके बावजूद आप लोग रोड पर टहल रहे हो। निश्चित रूप से ये अपना पूरी तरह से ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए हमारे कोरोना वॉरियर पुलिस प्रशासन, सीधे इनका देखा जाए तो फोटो खींच के अब चालान कराया जा रहा है, और इसी प्रकार से देखा जाए तो जागरूकता निश्चित रूप से है ना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को रोका गया है और इनसे पूछना चाहेंगे, जी आप कहाँ जा रहे हैं? दवा लेने जा रहे हैं। आप दवा लेने जा रहे हैं, क्या पर्चा है दिखाइए जरा। कान में दर्द बच्चे के, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये दवा लेने जा रहे हैं, और इसी प्रकार से जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और उनके पास जो है जो मास्क लगाए नहीं है उनके खिलाफ तो सीधे से चालान हो रहे हैं, और जो अनावश्यक रूप से जा रहे हैं उनसे भी पूछा जा रहा है। हम लोग लाल इमली चौराहे पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के ऊपर पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई गई होगी पुलिस की वो यहाँ मौजूद नहीं है फिलहाल, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गाड़ियों का आवागमन जारी है, और इसके बीच इनसे किसी प्रकार से कोई पूछताछ वाला नहीं है। कई लोग हमने देखा यहाँ के ऊपर अनावश्यक रूप से भी टहल रहे हैं, जिनसे हमारे चैनल के लोगों ने पूछा तो हमने देखा कि सीधे सीधे हमारे संवाददाता ने, और यहाँ के ऊपर हम पूछ रहे हैं, और लोग यहाँ के ऊपर कुछ लोग बगैर मास्क के भी दिख रहे थे, और वो हमारा जो है वो कैमरा देख के वो भागने लगे, और इसी प्रकार से कुछ दोपहिया वाहन वाले हैं जो कि वो हेलमेट भी नहीं लगाए थे और वो भी हमारा कैमरा देख के वो गाड़ी मोड़ के वापस जा रहे हैं, और यहाँ के ऊपर हम देख रहे हैं किस प्रकार से यातायात पुलिस और यहाँ की स्थानीय पुलिस दोनों ही मौजूद नहीं है। ऐसे में ये है कि किस प्रकार से यहाँ पे लॉकडाउन का पालन, क्योंकि ये बड़ा चौराहा है देखा जाए तो लाल इमली, और यहाँ के ऊपर आवागमन की स्थिति ये है कि पूरी तरह से लॉकडाउन बेअसर है। लॉकडाउन की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए हम लोग जो भ्रमण में निकले और विभिन्न चौराहे के ऊपर देखा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और इस कोरोना के संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए किस प्रकार से सख्ती बरती जा रही है, इसी क्रम में हम लोग परेड चौराहे पे है कानपुर के, और ये भी बड़ा चौराहा माना जाता है किस प्रकार से आवागमन हो रही है। आवश्यक रूप से जो व्यक्ति निकल रहे हैं और उनसे पूछताछ भी हो रही है, और यदि कोई अनावश्यक रूप से दिखाई दे रहा है तो उनके खिलाफ चालान का अभियान भी फिलहाल अभी हमें देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ बाइक कर्मी यहाँ के ऊपर जो पुलिसकर्मी यहाँ पे खासकर मौजूद है बाइक वालों को रोक रहे हैं, जो हेलमेट नहीं लगाए हैं वो देखा जाए तो पुलिस को देख के अपनी गाड़ी मोड़ के वापस पीछे भी जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर चार पहिया वाहन की जो कारें निकल रही हैं उनमें भी काफ़ी हमने देखा कि आवागमन यहाँ पे है, और इस आवागमन को निश्चित रूप से यहाँ के ऊपर रोक रोक के पूछने में हम देख रहे हैं कि अभी असमर्थता व्यक्त की जा रही है। पुलिस प्रशासन इस प्रकार से गाड़ियों को रोक रोक के हरेक से नहीं पूछ रही है जैसा कि दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ा चौराहा और कानपुर के बड़े चौराहों में इसका नाम है, इसीलिए इसको बड़े चौराहे के नाम से ये मशहूर है, जाना जाता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेड स्क्वायर भी काफ़ी मशहूर रहा, और यहाँ के ऊपर किस प्रकार से
क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, यातायात पुलिस, खाद में स्थानीय पुलिस प्रशासन, और यहाँ के ऊपर लोगों को जिस प्रकार से आवागमन चल रहा है, रोक रोक के जो है भी देख रहे हैं, अनावश्यक रूप से जो लोग टहल रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इस अभियान में कमी पाई जा रही है कि पूछा नहीं जा रहा है कि आपको यदि रोका जा रहा है तो आखिर ये किस प्रकार से रोका जा रहे हैं आप लोग, और इनसे पूछना बेहद आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कि बोला कि दिशा निर्देश दिए कि सख्ती से कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाए ताकि इस कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, लेकिन इस क्रम में चाहे जितने दिशा निर्देश दे दिए जाए यदि धरातल पर उसका क्रियान्वयन सफल रूप से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इन तमाम आदेशों के पालन सही से नहीं हो पाएंगे, और आमजन जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमण से जो लड़ाई हमारी आपकी है, आमजन का इसमें सहयोग भी कहीं ना कहीं नदारद मिलता है। लोगों को इस लॉकडाउन में शासन का प्रशासन का निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लोग अंदर हमारे मुस्तैद हैं खासकर पुलिस प्रशासन के, वो भी यहाँ के ऊपर बीच बीच में चालान चला रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई चेकिंग को लेकर के हम जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे जो अनावश्यक रूप से गाड़ियाँ अभी जा रही हैं उनको रोक के उनसे पूछा जा रहा है। यहाँ के ऊपर जो गाड़ियाँ हैं अनावश्यक रूप से निकल रही हैं उनको लेके क्या कार्रवाई की जा रही है? ट्रैफिक पुलिस लगी है सिविल पुलिस के सौजन्य से, चेकिंग की जा रही है 24 घंटे, अनवरत कंटिन्यू चेकिंग संभव नहीं है। निश्चित रूप से जैसा कि इन्होंने बताया है कि अभी चेकिंग यहाँ पे चले जा रही है, संभव पर्याप्त चेकिंग की जा रही है, और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, चालान भी किया जा रहा है, जुर्माना भी हो रहा है। सुबह से अब तक कितने चालान काटेंगे? मैं तो अभी कमिश्नर साहब मुआयने के लिए आए थे, इसके लिए मैं आया था, चालान संजय काट रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे कोरोना वॉरियर हैं, हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और वो ना केवल पूरी तरह से मुस्तैद है बल्कि आम जन को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम जन यदि इनका सहयोग देगा तो निश्चित रूप से लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से सफल हो रहेगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो दिशा निर्देश दिए हैं यदि धरातल पर उसका क्रियान्वयन सही से नहीं होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारे लॉकडाउन का एक मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब तक समाज का सहयोग, जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक एक तरफा कोई कार्यवाही सफल नहीं होगी, इसलिए जन सहयोग बहुत ज़रूरी है, और आपके माध्यम से जो जन जागरण का अभियान चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है, और आप लोग अपनी तरफ से जनता को अच्छा जागरूक करने की कार्यवाही कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों का भी पूरा सहयोग रहेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कोरोना से विजय पाने में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये था हाल हमारे बड़े चौराहे का, इसी प्रकार के कानपुर के और विभिन्न शहरों के, खासकर आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, और हम देख रहे हैं हमारे संवाददाता जो दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं, वो भी आपको इससे संबंधित जानकारी देते रहेंगे, और बाकी खबरों के लिए भी देखते रहें एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार से कोई भी शिकायत हो, और जहाँ किसी प्रकार की कोई आप देख रहे हो शासन प्रशासन की तरफ से पीड़ित पक्ष को न्याय की मांग या उनकी कहीं पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हमारा लक्ष्य है भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ आपको त्वरित न्याय दिलाने का, अविलंब रूप से न्याय दिलाने का, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, और हमारे बाकी खबरों के लिए एशिया न्यूज़ को देखते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।